को बढ़ावा देने के लिए इंदौर प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी न सिर्फ अपने घर से दफ्तर सिटी बस, आई बस और सिटी वैन में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सफर में आने वाली समस्याओं और उनके रखरखाव को भी बारीकी से जांचा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर ने भी निगम आयुक्त के साथ आई बस में सफर किया। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने लोक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की थी कि वे सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इतना ही नहीं, इसमें सफर करने के दौरान यह भी देखें कि शहर में दौड़ रहे ये वाहन फिट तो है या नहीं। इसके बाद वे आई बस में सवार होकर यहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकले। कलेक्टर ने कहा कि शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए लोगों को BRTS और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। मेरी लोगों से अपील है कि प्राइवेट वाहन होने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनदेखी न करें। देखिए, आज जो कलेक्टर साहब के द्वारा ये पहल की गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा लोक परिवहन को लेके, कि कई सारे लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं, जिनको लगता है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास कार नहीं है, तो ये जनता के बीच में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और एक ट्रस्ट डेवलप होगा लोक परिवहन को लेकर। मुझे लगता है कलेक्टर साहब की बहुत अच्छी पहल है और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर की आवश्यकता को देखते हुए BRTS और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बसेस है वो अधिक अधिक लोगों को करना चाहिए और लोगों से अपील है कि प्राइवेट वाहन होने के बाद भी कृपया करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टेटस नंबर से जोड़ के ना देखा जाए। इस मेंटेलिटी को हमें ब्रेक करने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो क्वालिटी है उसमें निरंतर सुधार हो रहा है और लोगों को कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये क्योंकि पूरे शहर हित का मामला है, इसीलिए ये किसी एक वर्ग या किसी एक अधिकारी कर्मचारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। सभी वर्गों को, सभी तरह के, सभी आयु वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए।